वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सत श्री अकाल, नमो बधाए, जमनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। साथियों, वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल उठाता सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाता है। साथियों, हम सच्चाई ही दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप हमारे टीवी चैनल को, हमारा फेसबुक पेज उसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल उसको लाइक करें। साथियों, अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ जो पुलिस का कहर चल रहा है, तो पुलिस वाले भी इतने बेशरम, इतने बेहयात हो गए हैं, जो दुनिया को परेशान कर रहे हैं। तो एक सिख फैमिली है राजस्थान में, इधर जो है, इधर जो उसमें एक हमारे साथी हैं टिकम साकिया जी, उन्होंने रिपोर्टिंग की है। तो आओ उसको दिखाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी एक महीने पहले के लगभग, जो है घटना क्या है, तारीख भी बताओ उसकी। क्या 9 तारीख की बात है, शाम का टाइम था, मैं बाहर बैठा था, एक गाड़ी आई, लाल गाड़ी, और कोटा का उस पर नंबर था, और यहाँ आके खड़ी हुई गाड़ी सामने आके जाके, तो मेरे से कह लगे, और सरदार यहाँ ये दुकान कैसे खुली। मैंने, सर क्या हुआ, मेरे से बदतमीजी बात करी। मैंने, सर कोई बात नहीं, दुकान खुली, मेरे टाइम का याद नहीं, टाइम बंद करता हूँ दुकान। दुकान बंद करने लगे हम, दुकान बंद करने के बाद में गाड़ी वो अपशब्द बोले कि तेरे मास्क लगाया। मैंने, सर मास्क तो आपने भी लगा रखा, तो मास्क के चक्कर में मैंने उनका वीडियो बनाया, ये बनाया। मैंने, सर मास्क आपने लगाया किस तरीके से, कह नहीं तूने मास्क नहीं लगाया, तेरे को मैं देख लूँगा, तो अपने सरदार समझता क्या है। तो मैंने, सर कोई मिलने वाले को मजाक कर रहे हो कैसे, वे गाड़ी बहुत कुछ अपशब्द बोले। वे गाड़ी यहाँ से निकली, मेरी वाइफ आई, वाइफ के सामने यहाँ बात हुई। मैंने कहा कि ये जैसे गाड़ी आई थी, ऐसे से बात कर ले गए, पता नहीं किसकी है, मेरी तबीयत उस दिन ख़राब थी, इंजेक्शन लगवाए थे मैंने। तो उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकल गई, उसके बाद में एक्टिवा चाबी मैंने अंदर से मंगवाई, उसके काफ़ी टाइम बाद में हम उसके पीछे दवाई लेने गए मेडिकल पे, तो वही गाड़ी हमारे को रास्ते में फिर मिल गई। गाड़ी मिलते ही मेरे से कह लगा, तुम सरदार मेरा पीछा फिर कर रहे हो क्या। मैंने कहा, सर हम पीछा नहीं कर रहे, आप है कौन हो। कहा, तुम मेरे को नहीं जानता। मैं, सर वाकई आपको नहीं जानता मैं। तो कह लगा, मैं तू मेरे को जानता है। मैं कहा, सर वाकई आपको नहीं जानता मैं, देखा होगा पहले, ध्यान नहीं आ रहा। उसके बाद में मेरी वाइफ से कह लगा, तू जानती मेरे को। उसने कहा कि मैं नहीं जानती। तो उसके हाथ में मोबाइल था, मोबाइल खींच लिया, मोबाइल खींच के साथ में महिला बैठी थी, उस महिला को मोबाइल दे दिया। उस महिला को आपको पता नहीं था कि वो पुलिस वाले? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। हाँ, वर्दी में थे या नहीं? नहीं, सिविल ड्रेस में थे, बिल्कुल कोई वर्दी नहीं थी, कपड़े दूसरे पहन रखे थे। तो उसके बाद मैंने, वे चार लोग थे। हाँ जी, दो पीछे थे, दो आगे थे। फिर मोबाइल जब छीन लिया, उसके बाद क्या हुआ? मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीनते ही मेरी वाइफ ने कहा, सर मोबाइल तो हमारा दे दो। कह लगा, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, मेरे पास मोबाइल नहीं दूंगा। बहुत उसने गाड़ी दी, बहुत कुछ बोले उसके उस टाइम उसने। फिर वे गाड़ी से उतरे, एक्टिवा में हम खड़े थे बाहर, एक्टिवा की चाबी निकाली, ले ली। हमने कहा, सर एक्टिवा चाबी दो ना, चाबी आप क्यों निकाल रहे हो, सर क्या बात है। कहने, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, अब तुम्हारी सारी हैंगड़ियाँ ही निकालूंगा, ये तुम समझते हो अपने आप को, ये बहुत कुछ बोले। उसके बाद में मेरी वाइफ को उन्होंने बहुत गाड़ी दी, बहुत कुछ बोला। उसके बाद में कहने लगे, वो साथ जो महिला बैठी थी, कह तू नीचे उतर, इस महिला से कुश्ती लड़। तो मेरी वाइफ ने कहा, मैं इतनी कुश्ती थोड़ी लड़ूंगी मैं। कहने, तू इससे कुश्ती लड़। उसके बाद में बहुत अनशन बोला उन्होंने। फिर गाड़ी थाने में आप कब ले गए थे? थाने में फिर उन्होंने फोन लगाया, पता नहीं कब फोन लगाया, क्या करा, कहने थोड़ी देर बाद में पुलिस की गाड़ी आ गई। मेरे को थाना ले गए, थाने मेरे से मार पिटाई करी। उसके बाद में उन्होंने मेरे बाल खींचे, पगड़ी उतारी। पगड़ी उतारने के बाद में उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीजी करी, बहुत कुछ बोला, बहुत गलत बोला उन्होंने। अकेले वो मारपीट करने वाले अकेले ही थे या नहीं? और पुलिस वाले थे, मारपीट अकेलों ने की इन्होंने। हाँ, इन्होंने करी है, एक साथ पुलिस वाला और था, उसने पट्टे मारे दो। अच्छा। हाँ जी। और केस कौन सा बनाया था आपके ऊपर? सर इन्होंने केस बनाया है मेरे ऊपर धारा 107 151। फिर दूसरे दिन आपकी जमानत? जमानत बड़ी मुश्किल से साहब, इन्होंने शाम को 3 बजे मेरी जमानत दी है, बहुत मुश्किल से। कैसे, क्या हुआ? बस सुबह से बैठे थे, अभी भेज रहे हैं, अभी थोड़ी सी कार्रवाई बाकी है, अभी भेज रहे हैं, ये कर करके 3 बज गए। 3 बजे के बाद इन्होंने मेरे, आपके पति के साथ जो घटनाक्रम हुआ था, हाँ जी, लॉन में, हाँ जी, तो उसका एक तो वक्त क्या था, और आपके साथ क्या क्या, किस तरह से बदतमीजी की, किन लोगों ने की, हाँ बताएं आप। टाइम तो लगभग मुझे अंदाजा नहीं है, मगर ये 6 से लेके 6:30-7 बजे तक का होगा टाइमिंग। और मेरे हस्बैंड के साथ में एक सिविल ड्रेस में आया व्यक्ति कार के अंदर था, जिसके कार के अंदर 3 पुरुष थे और एक महिला थी। और पहला जो पुरुष ड्राइव कर रहा था, वो व्यक्ति उतरा, जो कि अपने आप को बाद में मुझे CI नाम बता रहा है, राजेंद्र मीणा बता रहा है नाम, वो व्यक्ति उतरा है। मेरे पति के साथ बहुत बदतमीजी की, उतरते से पहले गाली गलौज करा, ए सरदार तू बोले दुकान कैसे खोला हुआ है, इनने मेरे हस्बैंड की तबीयत
टिक नहीं थी, एक्चुअली वो बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा दुकान तो नहीं खुली हुई है, शटल खुला है, मेरी तबियत टिक नहीं, शायद मेरे को बाहर आ जाना पड़ेगा। तो उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, बहुत गालियाँ गलौज। जैसे मैं बाहर निकली, मुझे लगा शायद अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ तो मुझसे कहते बोले तू कौन है, बोले मुझे रंडी रंडी करने लगी। अच्छा। उसके थोड़ी गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा आप कितने गंदे तरीके से बात क्यों कर रहे हैं, आप कौन है? तो कहते तेरे को तो अभी मैं अंधा करता हूँ, बोले तेरे को पता लगेगा। इस तरीके से वर्ड गंदे लैंग्वेज करके उन्होंने विदाउट मास्क थे जो कि, और हम लोगों को बोले थे आप विदाउट मास्क है, जबकि मैंने मास्क पे चुन्नी से लपेट रखा हुआ था अपना मुँह, और मेरे हस्बैंड ने भी रुमाल लगा। आपने उस घटना का वीडियो बनाया था कुछ? हाँ जी, उस घटना का मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा वीडियो बनाओ, ये कौन अनजान व्यक्ति आकर अपने साथ इतनी गाली गलौज कर रहे हैं। तो उसके बाद में फिर ये मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके जाने के काफ़ी देर बाद हम लोग पीछे से अपनी गाड़ी निकाली, कम से कम 5 से 7 मिनट लग गए लगभग चाबी ढूंढने में, गाड़ी निकालने में। हम दवाई लेने 12 के साइड जाने लगे रास्ते से, जैसे हम जाने लगे तो उनकी गाड़ी आगे रुकी हुई थी, शायद उन्होंने राजन मीणा जो कि CI अपने आप को बता रहे हैं, उन्होंने जिनको हम नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ कार रुकी हुई थी और पुलिस की गाड़ी बुलवाने के लिए फ़ोन किया हुआ था वहाँ पे। जैसे ही हम गए तो हमारी गाड़ी अड़ा दी उन्होंने एक्टिवा को, हम दोनों को उतार लिया वहाँ पे एकदम से धक्का मार करके, और उसके बाद हमसे कहा कि मेरा मोबाइल जो मेरे हाथ में था जिसमें उस घटना जो पहली घटना दुकान में हुई थी उस घटना के किए हुए वीडियोज़ थे उसके अंदर पर, उन्होंने मेरा मोबाइल लेके उनके बाजू में जो लेडीज़ बैठी थी उनको दे दिया अपना मेरा मोबाइल, और उसके बाद कहते हैं अपनी जो बीवी बता रहे हैं, वो अपनी बीवी बताते हैं जिनको, उनको कहते हैं तू बाहर निकाल और इसके साथ में कुश्ती लड़, और लोगों के सामने मेरा बहुत अपमान किया, अपशब्द कहे, इतने अपशब्द कहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं महिला क्यों हूँ, मुझे इतना गंदा फील हुआ। उस टाइम पे रिलावन के कम से कम 100 से 150 लोग थे, 100 से 150 लोग थे जो कि पूरे पुरुष और स्त्रियाँ जो कि थे, सबको उनके सामने बहुत गंदे तरीके से बोलने लगे। तो वो अपने और वाइफ को बोलने लगे कि तू बाहर निकल के ना इसको नंगा कर दे, आज चौराहे पे नंगा कर दे, और मुझसे कहते बोले देखो तो रंडी बना दूंगा, बहुत गंदे शब्द, बहुत यानी मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी थी। मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मुझसे कहते बोले मैं तो CI बोले यहाँ का किशनगंज का, तू मेरा क्या कर सकती? बोले बता किसको फ़ोन लगाएगी, SP कलेक्टर DSP DIG कौन मेरा क्या करेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत गंदे शब्द ने मेरे से बहुत बेइज्जती की उन्होंने। उसके बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट की, मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं थी, गाड़ी की चाबी मेरी ले ली, मेरा मोबाइल ले लिया उन्होंने, और वो चले गए। उसके बाद मैं अपनी पुलिस की गाड़ी बुलाई, उन्होंने बहुत गंदे अपशब्द बोले, और गाड़ी के बाद में उन्होंने बिठाया मेरे हस्बैंड को, डंडा से निकाले पहले मेरे को मारने को, जब मैंने डंडा पकड़ लिया तो मेरे हस्बैंड को मारा उन्होंने और गाड़ी पे बैठा करके ले गए। और उसके बाद में मैं अकेली रहेगी, और अकेली रहेगी जब मार्केट से लेकर के मैं घर तक के आई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था सब आंखें मुझे घूर रही और सब रंडी रंडी कह रहे हैं। उस टाइम शायद मैं सुसाइड कर लेती या मर जाती, मुझे बहुत अपने आप पर शर्म फील हो रहा है कि CI साहब यदि ऐसा कर सकते हैं और यदि प्रशासन इनको हक दे रहा है, अधिकार दे रहा है इस तरीके से महिलाओं के साथ करने का, तो मैं हर महिला को कहूँगी कि कन्या कभी नहीं जन्म देनी चाहिए, कभी जन्म देनी चाहिए जिन्होंने बदतमीजी की। आप ये बताओ ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपने कोई कार्रवाई करी है क्या? हाँ जी, मैं SP साहब के पास गई थी, मैंने वहाँ पे अपना आवेदन दिया हुआ है, मैंने RDA में अपनी लगाई हुई थी, अभी कमेटी मेंबर सर ने बैठा हुए हैं, 4 कमेटी मेंबर में है, वहाँ चल रहा है हमारा। तो अभी तक कोई कार्रवाई यानी कि कार्रवाई ADR ने कमेटी बिठाई है, अभी कमेटी बिठाई हुई है, SP साहब की तरफ से कोई जांच आई है? अभी मुझे जांच का तो कुछ भी है ना, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया सर, अभी कुछ भी। एक महीना गुजर गया, एक महीना गुजर जाएगा, 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, यानी आप सोचिए जिस तरीके से लोग कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रही हूँ, जो बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, क्या ये मुझसे कह रहे थे? हाँ जी, मुझे जो सफ़ेद दाग है जिसके ऊपर से मुझे बहुत गंदा CI साहब ने ये बोलते, बोले तेरी तो इतनी गंदी शक्ल है, बोले कि तेरे साथ बलात्कार कौन करेगा। अच्छा, मुझे कहते हैं बलात्कार कौन करेगा, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि व्यक्ति के बलात्कार करने की कितनी यानी उसके अंदर पे तड़फ है, कि जो सुंदर और बखसूरत की तुलना मेरे साथ में कर रहा है, वो मुझे बहुत शर्म फील हुई अपने आप में, और इतने अपशब्द कहे, मुझे कपड़े उतार दूंगा, नंगा कर दूंगा, वैश्यवृत्ति जैसे शब्द कहे हैं। तो क्या मैं आज रिलावन जिस जगह में रह सकती हूँ, कि यहाँ के नज़रिया लोगों का क्या मेरे प्रति फिर से कि वैसा हो पाएगा मेरा उन सब महिलाओं से? आप क्या चाहते हो आप ये बताओ? मैं तो अपना न्याय चाहती हूँ सर। न्याय में किस तरह का न्याय चाहते हो? न्याय चाहती हूँ कि यदि पुरुष को इस तरह का हक है बोलने का, तो फिर कोई संविधान की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कानून का होना कोई जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरीके से बिल्कुल होना चाहिए सर जी, पैर पीछे नहीं होना चाहिए। जो लेडीज बैठी थी उनको दे दिया अपना मेरा मोबाइल, और उसके बाद कहते हैं अपनी जो बीवी बता रहे हैं, वो अपनी बीवी बताते हैं जिनको, उनको कहते हैं तू बाहर निकाल और इसके साथ में कुश्ती लड़, और लोगों के सामने मेरा बहुत अपमान किया, अपशब्द कहे, इतने अपशब्द कहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं महिला क्यों हूँ, मुझे इतना गंदा फील हुआ। उस टाइम पे रिलावन के कम से कम 100 से 150 लोग थे, 100 से 150 लोग थे जो कि पूरे पुरुष और स्त्रियाँ जो कि थे, सबको उनके सामने बहुत गंदे तरीके से बोलने लगे। तो वो अपने और वाइफ को बोलने लगे
कि तू बाहर निकल के ना इसको नंगा कर दे, आज चौराहे पे नंगा कर दे। और मुझसे कहते बोले तो रंडी बना दूंगा, बहुत गंदे शब्द, बहुत यानी मुझे अपने आप पे शर्म आने लगी थी। मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मुझसे कहते बोले मैं तो सियाही, बोले आगे किशनगंज का, तू मेरा क्या कर सकती? बोले बता किसको फ़ोन लगाएगी, एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, डीआईजी, कौन मेरा क्या करेगा? मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत गंदे शब्द ने मेरे से बहुत बेइज्जती की उन्होंने। उसके बाद मेरी गाड़ी स्टार्ट की, मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं थी, गाड़ी की चाबी मेरी ले ली, मेरा मोबाइल ले लिया उन्होंने और वो चले गए। उसके बाद मैं अपनी पुलिस की गाड़ी बुलाई, उन्होंने बहुत गंदे अपशब्द बोले। गाड़ी के बाद में उन्होंने बैठाए मेरे हस्बैंड को, डंडा से निकाले पहले मेरे को मारने को। जब मैंने डंडा पकड़ लिया तो मेरे हस्बैंड को मारा उन्होंने और गाड़ी पर बैठा करके ले गए। और उसके बाद में मैं अकेली रहेगी और अकेली रहेगी। जब मार्केट से लेकर के मैं घर तक के आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था सब आंखें मुझे घूर रही और सब रंडी रंडी कह रहे हैं। उस टाइम शायद मैं सुसाइड कर लेती या मर जाती। मुझे बहुत अपने आप पर शर्म फील हो रहा है कि सीआई साहब यदि ऐसा कर सकते हैं और यदि प्रशासन इनको हक दे रहा है, अधिकार दे रहा है इस तरीके से महिलाओं के साथ करने का, तो मैं हर महिला को कहूँगी कि कन्या कभी नहीं जन्म देनी चाहिए, कभी जन्म देनी चाहिए जिन्होंने बदतमीजी की। आप ये बताओ ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपने कोई कार्रवाई करी है क्या? हाँ जी, मैं एसपी साहब के पास गई थी, मैंने वहाँ पे अपना आवेदन दिया हुआ है, मैंने आरडीए में अपनी लगाई हुई थी। अभी कमेटी मेंबर सर ने बैठा हुए हैं, चार कमेटी मेंबर में है, वहाँ चल रहा है हमारा। तो अभी तक कोई कार्रवाई यानी कि कार्रवाई एडीआर ने कमेटी बिठाई है? अभी कमेटी बिठाई हुई है। एसपी साहब की तरफ से कोई जांच आई है? अभी मुझे जांच का तो कुछ भी है ना, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया सर अभी कुछ भी। एक महीना गुजर गया, एक महीना गुजर जाएगा, 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। यानी आप सोचिए जिस तरीके से लोग कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रही हूँ, जो बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। क्या ये मुझसे कह रहे थे? हाँ जी, मुझे जो सफ़ेद दाग है जिसके ऊपर से मुझे बहुत गंदा सियाई साहब ने ये बोलते, बोले तेरी तो इतनी गंदी शक्ल है, बोले कि तेरे साथ बलात्कार कौन करेगा। अच्छा, मुझे कहते हैं बलात्कार कौन करेगा, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि व्यक्ति के बलात्कार करने की कितनी यानी उसके अंदर पे तड़फ है कि जो सुंदर और बकसूरत की तुलना मेरे साथ में कर रहा है। वो मुझे बहुत शर्म फील हुई अपने आप में और इतने अपशब्द कहे, मुझे कपड़े उतार दूंगा, नंगा कर दूंगा, वैश्यवृत्ति जैसे शब्द कहे हैं। तो क्या मैं आज लीलावन जिस जगह में रह सकती हूँ कि यहाँ के नज़रिया लोगों का क्या मेरे प्रति फिर से कि वैसा हो पाएगा? मेरा उन सब महिलाओं से आप क्या चाहते हो आप ये बताओ? मैं तो अपना न्याय चाहती हूँ सर। न्याय में किस तरह का न्याय चाहते हो? न्याय चाहती हूँ कि यदि पुरुष को इस तरह का हक है बोलने का तो फिर कोई संविधान की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कानून का होना कोई जरूरी है? मुझे ऐसा लगता है कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरीके से बिल्कुल होना चाहिए सर जी, पैर पीछे नहीं होना चाहिए। तो साथियों आप सभी ने देखा है टीकम साकिया ने जो इंटरव्यू लिया उनका, तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि पुलिस वाले कैसे तंग कर रहे हैं उनको। तो ये पुलिस वाले आज की डेट में जो रक्षक थे पुलिस वाले, कभी इंसानों के आज भक्षक बन गए हैं। और इन शैतानों की वजह बहुत सारे 99% जो पुलिस वाले हैं करप्ट और जो बेईमान हो चुके हैं 99%। मैं इसकर कह रहा हूँ कि जिधर भी देखो उधर पुलिस का कहर, मैं 1% इसकर के कहता हूँ कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम 1% में रख लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों का जो रवैया है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इंसानियत के जो है हक में नहीं है। जो इंसानों को मार रहे हैं और जो सिख फैमिली को इन्होंने जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मार रहे हैं और फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं, तो ये जो है बेबुनियाद बे, बे, बे है जो है। इसको हम आने वाले वक्त में एक वकीलों की हम टीम तैयार कर रहे हैं जिसमें जो 500 पुलिस के जो 500 वकीलों की टीम होगी, जो पुलिस वाले ऐसे गलत काम करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कराएंगे और जो कहीं भी बलात्कार या किसी भी किस्म के होते हैं उसके ऊपर केस चलाएंगे, ऐसा एक पुलिस का एक सिस्टम तैयार करेंगे। उसके मतलब वकीलों की टीम तैयार कर रहे हैं जो जज के ऊपर क्या, प्रधानमंत्री के ऊपर क्या, सबके ऊपर केस पा सकता है और उसको अंदर कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो आने वाले वक्त में करेंगे। तो टीकम साहिका जी आपने रिपोर्टिंग किया है और हम वीडियो भेजा, इसके लिए थैंक यू आपका, धन्यवाद। और वॉइस ऑफ मानवता उठाते रहेगा सबकी आवाज़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, थैंक यू।